पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल, ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। अदालत के बाहर लीगी कारकुनों की नारेबाजी। नैब टीम ने ख्वाजा बरादरान को अदालत से नैब ऑफिस ठोकर न्याज बेग मुंतकिल कर दिया। ख्वाजा साद रफीक और नैब प्रोसिक्यूटर हाफिज असद की अदालत में तल्ख कलामी। आप अपनी नौकरी पक्की करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, ख्वाजा साद रफीक। जज की दोनों को खामोश रहने की हिदायत। जब हुकूमत बदलती है जेल मेरा मुकद्दर होता है, ख्वाजा साद रफीक का अदालत में बयान। अदालत के बाहर आकर लाहौर न्यूज से गुफ्तगू, बोले इंतकामी कार्रवाई हो रही है, डट कर मुकाबला करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। पैरागॉन सोसाइटी गैर कानूनी, एलडीए ने कोई एनओसी नहीं दिया नैब काम। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी से ख्वाजा बरादरान को बाकायदगी से पैसे आते रहे। ख्वाजा साद रफीक की अहलिया गजाला साद, कैसर अमीन बट और नदीम जिया भी पार्टनर्स के तौर पर सामने आए। कैसर अमीन बट के वादा माफ गवाह बनने पर तहकीकत की तो तौसीक हुई नैब काम। फयाजुल हसन चौहान की अपोजिशन पर गोलाबारी, बोले ख्वाजा बरादरान हमटी डमटी नहीं, उन्होंने पूरे के पूरे मौजा खरीदे। हमजा शहबाज ऑपोजिशन लीडर का किरदार अदा करें, भागने की कोशिश ना करें, कोई डील नहीं होगी, किसी को पतली गली से फरार नहीं होने देंगे। हिसाब किताब शुरू होता है तो कोई अपना नाम जमहूरियत रख लेता है और कोई 18वीं तरमीम। शाहदरा रोड पर रबड़ की फैक्ट्री में आग लग गई। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। इलाके में धुएं के बादल, आग ने करीबी घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। लोग घरों से बाहर निकल आए। आग बुझाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। मसीहा सड़कों पर, मरीज बिस्तरों पर। यंग डॉक्टर्स के एहतजाज का दायरा कार वसी। हड़ताली डॉक्टर्स का कैंपस पुल पर एहतजाज। कैनाल रूट ब्लॉक कर दी, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस की भारी नफरी तैनात। दूर दराज से आने वाले मरीजों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात। अस्पतालों में मरीज, सड़कों पर शहरी परेशान। कैंपस पुल से कैनाल रोड पर गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें, शहरी ट्रैफिक जैम में फंसकर रह गए। भेकेवाल मोड़, क्रीम ब्लॉक समेत इतराफ में गाड़ियों का पहिया जाम। जिला इंतजामिया का तजावजात के खिलाफ धर्मपुरा और मुगलपुरा के इलाकों में ग्रैंड ऑपरेशन। 5 गैर कानूनी कायम दुकानों को मिसमार किया गया, सामान जब्त। पंजाब हुकूमत का कानून साजी में पहला ब्रेक थ्रू। हुकूमत का ऐवान में 6 बिल्स पेश करने का फैसला। पंजाब हुकूमत अब तक मुफाद आमा से मुतालिक कोई बिल लाने में कामयाब ना हो सकी। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी राजा रियाज ने पार्लिमानी सेक्रेटरीशिप से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा वजीर आजम को इरसाल। लाहौर समेत पंजाब की जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदी रखने का इंकशाफ। सेंट्रल जेल लाहौर में 2360 कैदियों की गुंजाइश। 1397 इजाफी कैदी जेल में ठोंस दिए गए। कैदियों के लिए कायम फैमिली रूम्स भी फाल ना हुए। पंजाब असेंबली में इंकशाफ। पंजाब हुकूमत का लाहौर समेत 6 जिला में नई जेलें तामीर करने का मंसूबा। 45 जुडिशल लॉकअप को सब जेल में तब्दील करने की स्कीम भी मंजूर। वजीर जेल खानाजात की ऐवान में रिपोर्ट। डिजिटल करंसी माफिया के खिलाफ एफआईए का क्रैकडाउन। फिरोजपुर रोड पर कार्रवाई, मुल्जिम इफ्तखार गिरफ्तार। मुतअद्दिद जदीद मशीनें कब्जे में ले ली। इचरे से गैर कानूनी गेटवे एक्सचेंज कब्जे में ले ली। 800 मोबाइल सिम्स भी बरामद। ऑस्ट्रेलिया काश्तकारों को जदीद तरबियत देने के लिए पंजाब हुकूमत से तआवुन के लिए तैयार। वज़ीर आला पंजाब से ऑस्ट्रेलिया की हाई कमिश्नर मार्गरेट एडमसन की मुलाकात। सेहत, तालीम, स्किल डेवलपमेंट, लाइफ स्टॉक और वाटर मैनेजमेंट के शोबों में शराकत बढ़ाने पर इत्तफाक। डॉलर महंगा, मंसूबों की लागत भी बढ़ गई। अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तौसी मंसूबा लागत 43 बिलियन से 49 बिलियन तक पहुंच गई।
قومی کمیشن برائے بین المزار مکالمہ کے ذریعے تمام بچوں کے لیے کرسمس پکنک، مدارس کے طلبہ اور مسیحی بچوں کی چڑیا گھر کی سیر، کرسمس کیک بھی کاٹا۔